हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा। खबर है कि दिल्ली में प्लॉट, दुकान व मकान खरीदने के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी। दिल्ली सरकार ने शहर में 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली संपत्तियों के ट्रांसफर शुल्क में 1% की बढ़ोतरी की है। ट्रांसफर ड्यूटी में वृद्धि को एमसीडी ने मई 2022 में ही मंजूरी दी थी, लेकिन इसकी अधिसूचना 10 जुलाई 2023 को जारी की गई है। अब पुरुषों को 7%, महिलाओं को 5% और ट्रांसजेंडरों को 3% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। एनडीए में लौटी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अमित शाह से किए मुलाकात। खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभर जी के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। सुभाषपा 2019 में एनडीए से अलग हुई थी। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा, बेटों को टिकट दिलाने के लिए मरे जा रहे हैं नेता। खबर है कि राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बेटे बेटियों के लिए टिकट की पैरवी करने वाले नेताओं को लेकर कहा कि आप तो मरे जाते हैं कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया तो जहर खा लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी लीडर का बेटा कैपेबल नहीं है तो हम कांग्रेस को बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसे में पार्टी को आगे बढ़ाने की भावना कैसे आएगी। भारत पाकिस्तान मैच से पहले अहमदाबाद के लिए 6 गुना तक बढ़ी फ्लाइट टिकटों की कीमतें। खबर है कि वनडे विश्व कप 2023 में 15 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच से पहले अहमदाबाद के लिए फ्लाइट की टिकटों की कीमतें 6 गुना तक बढ़ गई हैं। मैच से एक दिन पहले 14 अक्टूबर को कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और खास करके दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक तरफ का किराया 22,000 रुपये के करीब है। होटल रूम के किराए में भी बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली सरकार ने आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए नहीं दिए थे पैसे। खबर है कि हरियाणा सरकार के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संदीप तनेजा ने कहा कि आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, इसके मेंटेनेंस के लिए 5 साल से पैसे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हरियाणा सरकार का कोई दोष नहीं है, दिल्ली में आईटीओ बैराज की वजह से ओवरफ्लो नहीं हुआ है। अभिषेक बच्चन के राजनीति में आने व सपा में शामिल होने की रिपोर्ट को पार्टी ने बताया अफवाह। अभिनेता अभिषेक बच्चन के राजनीति में आने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों वाली रिपोर्टों को पार्टी ने महज अफवाह बताया। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभिषेक ने 2013 में कहा था कि भले ही मेरे माता पिता राजनीति में हैं, लेकिन मैं खुद को राजनीति में नहीं देखता। बता दें कि अभिषेक बच्चन की माँ जया बच्चन राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस ने किया दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के विरोध का ऐलान, आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। खबर है कि बेंगलुरु में सोमवार से होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी बैठक में आएगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने वेणुगोपाल के बयान पर कहा यह सकारात्मक बयान है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष दलों का समर्थन मांगा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।